प्यारे प्यारे बच्चों, आज एपिसोड नंबर 13 5 मिनट की पाठशाला में आप और हम उपस्थित हैं। एपिसोड नंबर 12 में हमने सीखा स्वाध्याय करना क्यों जरूरी है। आज हम थोड़ा सा तीर्थंकर के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जैन धर्म में तीर्थंकरों की पूजा होती है, जैन धर्म में तीर्थंकरों की आराधना होती है, जैन धर्म में तीर्थंकर ही उनके सर्वे सर्वा होते हैं। जैन धर्म में मोक्ष का मार्ग यदि कहीं से शुरू होता है तो तीर्थंकरों के माध्यम से मोक्ष का मार्ग शुरू हुआ करता है। तो हमारे तीर्थंकर 24 हुआ करते हैं, तीर्थंकर 24 हर युग में हुआ करते हैं। पहले जो तीर्थंकर हुए वो भूतकाल के तीर्थंकर हुए 24, वर्तमान में जो ऋषभ आदि से महावीर भगवान पर्यंत 24 हैं वो वर्तमान के तीर्थंकर हैं, और इनके बाद जो भविष्य में तीर्थंकर होंगे वह भविष्यकाल के तीर्थंकर कहलाएंगे। आज हम ज़्यादा डिटेल में ना जाकर इतना ही समझने का प्रयास करें कि तीर्थंकर 24 होते हैं। तीर्थंकर वो होते हैं जो धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, तीर्थंकर वो होते हैं जो खुद भी तरते हैं और दूसरों को भी तरने का मार्ग बताते हैं, तीर्थंकर वो होते हैं जो संसार और मोक्ष की हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, तीर्थंकर वो होते हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, तीर्थंकर वो होते हैं जो हमें संसार से पार करने का एक सूत्र प्रदान करते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम केवल एक ही लाइन में याद रखें कि जो स्वयं तीर्थते हैं और दूसरों को भी तारते हैं वह तीर्थंकर कहलाया करते हैं। याद हो गया, जो स्वयं तरते हैं कहाँ से तरते हैं, इस संसार सागर से, इस दुनिया से, इस विश्व से तर करके कल्याण करके जो मोक्ष चले जाते हैं, तो जो स्वयं तरते हैं दूसरों को भी तारते हैं वह तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर हमारे जीवन में जितने भी कर्म कालिमा हैं उसको नष्ट करने का उपाय बताते हैं, मोक्ष ले जाने का मार्ग बताते हैं। तो हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर में ऋषभनाथ जी, अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदन जी, सुमत जी, पद्म जी, सुपार्शनाथ जी, चंद्र प्रभु जी, पुष्पधन जी, शीतलनाथ जी, श्रेयांशनाथ जी, वांशपूज जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंथनाथ जी, अरनाथ जी, मल्लिनाथ जी, मुनीश्वर जी, नमीनाथ जी, नेमीनाथ जी, पार्शनाथ जी, वर्धमान स्वामी, ऐसे 24 तीर्थंकर हैं। इनके नाम आपको अपने घर में याद करना है। मैं इस टीवी पर, मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको इतने नाम नहीं रटा पाऊँगा, मैंने नाम बता दिए हैं। आपको घर में पुस्तक लेकर इनके नाम याद करना है। हमारे यहाँ जैन धर्म में तीर्थंकर भी मोक्ष जाते हैं और सामान्य जीव भी मोक्ष जाते हैं। आप भी मोक्ष जा सकते हैं और मैं भी मोक्ष जा सकता हूँ। तीर्थंकर भी मोक्ष में जाकर के अपना कल्याण कर लेते हैं, हम भी अपना कल्याण करके मोक्ष जा सकते हैं। इतना बात ध्यान रखना, तीर्थंकर 24 ही होंगे लेकिन मोक्ष जाने वाले अनंत अनंत जीव हो सकते हैं। जिसके अंदर आत्म कल्याण की भावना है वह मोक्ष जा सकता है। 24 तीर्थंकर की कुछ विशेषताएँ होती हैं, कुछ उनमें उपलब्धियां होती हैं, कुछ उनके विशेष गुण हुआ करते हैं, इसलिए वह तीर्थंकर कहलाते हैं। वह मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं, मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ऐसे हमारे तीर्थंकर होते हैं वह 24 तीर्थंकर। ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर ही मोक्ष जाएंगे, कोई भी जीव मोक्ष जा सकता है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए प्रत्येक जीव को मनुष्य बनना बहुत जरूरी है और जैन धर्म को स्वीकार करना बहुत जरूरी है, तभी मोक्ष की यात्राएं होती हैं। तो हम थोड़ा सा तीर्थंकर के बारे में समझेंगे। 24 तीर्थंकर हुए हैं, हर युग में 24-24 तीर्थंकर होते हैं, इस युग में 24 तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने हमें मोक्ष का मार्ग दर्शाया है। कुछ तीर्थंकर संसार में रह करके संसार की सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करते हैं, कुछ तीर्थंकरों की जीवन शैली थोड़ी सी अलग होती है, तो हम समझेंगे। बस आज इतना ही समझना है कि जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में हम लोग रहते हैं और यहाँ पर 24 तीर्थंकर होते हैं, विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हुआ करते हैं।
ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। तीर्थंकर जो होते हैं वह कर्म भूमि में होते हैं, भोग भूमि में तीर्थंकर नहीं हुआ करते हैं, क्योंकि वह कर्म करने की शिक्षा देते हैं और कर्म को नाश करने का भी पाठ तीर्थंकर हमें पढ़ाया करते हैं। आज हम तीर्थंकर के बारे में थोड़ी सी भूमिका को समझे हैं। आप इतने याद रखें, जो खुद भी तरते हैं और दूसरों को तारते हैं वो तीर्थंकर हुआ करते हैं। कोई प्रश्न हो आपके तो अभी आप टीवी पर, हमारे इस मीडिया पर स्क्रीन पर आप देखेंगे अंकित जैन दिल्ली का नंबर है, आप फोन लगाकर प्रश्न कर सकते हैं। कल फिर हम मिलेंगे आपसे 5 मिनट की पाठशाला में।